हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सतीश, आप सभी को स्वागत है शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पाक केलोना वर्सेस पाक आई केर के बीच में होने वाली मैच के बारे में। और ये ACST T10 बारकोलना है फ्रेंड्स, 2021 का, 2020 में भी हुआ था फ्रेंड्स। वो 2020 का सारे मैच मैंने कवर किया, लेकिन अभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है इसलिए मैं कोई मैचेस कवर नहीं कर पा रहा। और ये छठा मैच है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो मैच डिटेल्स की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैच 1 बजे होने वाला है, 9 तारीख आज होने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर। और देखा जाए तो मैच मोंटजे ओलंपिक ग्राउंड बारकोलना में खेला जाएंगे। और यहाँ पर पाक केलोना प्रोबेबल प्लेइंग 11 की प्लेयर स्टैट्स की बात करें तो प्लेइंग 11 के साथ साथ यहाँ पर इस तक नजीर है फ्रेंड्स, 7 मैच में 160 रन के साथ साथ 2 विकेट है। यहाँ पर शहजाद खान की बात करें तो 7 मैच में 99 रन के साथ साथ 9 विकेट है। रमीज महमूद की बात करें तो 7 मैच में 119 रन है। यहाँ पर शाहिद इकबाल ने 7 मैच में 72 रन बनाया। और यहाँ पर अदालत अली की बात करें तो 1 मैच में कोई रन नहीं है, कोई विकेट भी नहीं है। यहाँ पर राजा वकास शहजादे की बात करें तो 6 मैच में 88 रन है। यहाँ पर अतिकी और रहमान ने 8 मैच में 57 रन बनाए हुए फ्रेंड्स। यहाँ पर कुरम जावेद की बात करते हैं 6 मैच में 54 रन और 1 विकेट है। यहाँ पर सलीम हैदर की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 मैच में 4 विकेट है। यहाँ पर तहजीब हसन की कोई कुछ नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट नहीं मिला। अजम की बात करें तो 5 मैच में 4 विकेट है फ्रेंड्स यहाँ पर। वही पाक आई केर के प्रोबेबल प्लेइंग 11 विथ स्टार्ट्स की बात करें तो प्लेयर की यहाँ पर मोहम्मद ईशान फ्रेंड्स बात करते हैं, यहाँ पर 9 मैच में 219 रन है। मोहम्मद यासीन 9 मैच में 182 रन के साथ साथ 10 विकेट लें फ्रेंड्स, एक तरफ से बेहतरीन ऑलराउंडर है। यहाँ पर सहराज अहमद की बात करें तो 6 मैच में 44 रन के साथ साथ 3 विकेट है। यहाँ पर मोहम्मद बाबर 10 मैच में 303 रन के साथ 15 विकेट है। लास्ट ईयर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे फ्रेंड्स। यहाँ पर अली भी लास्ट ईयर अच्छे परफॉर्मेंस दिए, 13 मैच में 288 रन के साथ साथ 7 विकेट है। सिकंदर अली यहाँ पर ओपनिंग पे भी आते हैं। अतीब मोहम्मद की बात करें तो 7 मैच में 3 विकेट है। यहाँ पर मोहम्मद कमरान की बात करें तो 6 मैच में 112 रन के साथ साथ 4 विकेट है। असद अब्बस की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 7 मैच में 64 रन के साथ साथ 1 विकेट है। और फैजल राजा की बात करें तो 2 मैच में कोई सफलता नहीं है। फैजल शाह की बात करें तो 8 मैच में 7 विकेट है। यहाँ पर समी उल्लाह की बात करें तो 4 मैच में 7 विकेट है फ्रेंड्स यहाँ पर। यहाँ पर दोनों टीम की की प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर पाक आई केर वर्सेस पाक केलोना की बात करते हैं, यहाँ पर की प्लेयर्स इस तरीके की नज़र, कुरम जावेद, शहजादे खान, मोहम्मद ईशान, सिकंदर अली, मोहम्मद कामरान और मोहम्मद अतीफ है। अब आ गए फ्रेंड्स यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। तो यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन में फ्रेंड्स यहाँ पर कुरम जावेद, सिकंदर अली है। वाइस कैप्टन के ऑप्शन में फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह एक नज़ीर और यहाँ पर मोहम्मद कमरान है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं सारी डिटेल्स दे दी, अब आपको मैं देने वाला हूँ ड्रीम इलेवन टीम फ्रेंड्स यहाँ पर। और यहाँ पर ड्रीम इलेवन की बात करें तो फ्रेंड्स 1 करोड़ की अच्छी बजट है फ्रेंड्स यहाँ पर, आप 1 करोड़ जीत सकते हैं। 29 रुपये एंट्री फीस है फ्रेंड्स यहाँ पर, 11 टीम आप बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर टीम की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो टीम यहाँ मैं बना के रख चुका हूँ। यहाँ पर विकेट कीपर में यहाँ पर सिकंदर अली और मोहम्मद ईशान को मैंने लिया फ्रेंड्स यहाँ पर। बैट्समैन में फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह एक नज़ीर, आर खलीज और रहमान और यहाँ पर मोहम्मद यासीन है। ऑलराउंडर में कुरम जावेद, एस खान और यस अहमद है फ्रेंड्स यहाँ पर। और गेंदबाजी में ये आर रहमान, अतीब मोहम्मद और यहाँ पर मोहम्मद कमरान है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मैंने दे दिया फ्रेंड्स यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन में फ्रेंड्स यहाँ पर सिकंदर अली और आई नज़ीर है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यही है पूरी टीम। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। फिलहाल मैं टेलीग्राम पे कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, मेरी हेल्थ भी ख़राब है फ्रेंड्स, लेकिन मैं ब्लॉगिंग पे थोड़ा काम कर रहा हूँ, अभी भी उसमें दिक्कत हो रही है मुझे। वो पूरे हो जाएगा तो फ्रेंड्स आपको मैं बता रहा हूँ, अगर 10 मैच भी डेली होगा तो फ्रेंड्स मैं आपको 10 मैच आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कवर कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पर 10 वीडियो तो डेली नहीं डाल सकूँगा, इसलिए मैं ब्लॉगिंग पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मैं ईजिली टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर सकूँ। तो फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पर क्रिकेट के फैंटेसी पे जो भी मैचेस अब होने वाला, सारे डिटेल्स आपको मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स। तो आपके लिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिएगा। मैं कुछ दिन 15-20 दिन के बाद आपको सारे इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड करने वाला, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना फ्रेंड्स। थैंक यू एंड विश यू गुड लक टू एवरीवन।